EMC नया सब्जेक्ट आया तो हमने सोचा ये कुछ नया सा है क्या है, तो उस टाइम हमें नहीं पता था। उसके बाद से जब धीरे धीरे सर क्लासेस लेने लगे, हमें पता लगा कि EMC क्या है, हमें क्या करना है, कैसे करना है, टीचर समझाने लगे हमें। फिर धीरे धीरे करके हमें ये पता लगा कि हम स्टडी के साथ साथ हम कैसे कुछ कुछ अपना नया कर सकते हैं जिससे हमारी सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ सके। 6th-7th क्लास की मैं अपनी बात बताता, पहले मैं सर खुद नहीं पढ़ पाता था, हिंदी इंग्लिश चाहे जो भी मेरे सब्जेक्ट में नहीं समझ में आती थी। तो उस टाइम पे एक मिशन बुनियाद करके करिकुलम जो चला था, वो उसमें मैंने जब सीखा, मेरे को खुद सिखाया गया पढ़ना, 6 से 7 क्लासेस से मैं कुछ सीख गया। तो मेरे को ध्यान में आया जब मैंने इस चीज़ के थ्रू ये सब चीज़ करने के बाद मैंने अपने आप को देखा कि जब मैं चेंज हो सकता हूँ तो मेरे जैसे और पता नहीं और बच्चे हैं वो भी चेंज हो सकते हैं। मैं कुछ ऐसा नया कर सकता हूँ बच्चों के लिए जिसमें मैं भी कुछ ऐसे क्लासेस जो बच्चे किसी ना किसी कारण से नहीं पढ़ पाते, जो मैंने सोचा था मैं इस काम को करूँगा। सीट में नहीं मिलने के बाद से मैंने उस काम को किया और वो काफ़ी मेरे को दिखा कि प्रैक्टिकली मेरा एक खुद का इंस्टीट्यूट है जिसमें मेरी तरह और भी बच्चे आते हैं जो अपने फ्यूचर को लेकर काम करते हैं, अपने फ्यूचर्स उनको नहीं पता होते उन्हें क्या करना है। जब हमने स्टार्ट किया था तब हमारे पास ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे, बट धीरे धीरे ऐसे जो बच्चे हैं वो आते रहे और पेरेंट्स को पता चला कि हम कुछ न्यू करवा रहे हैं, न्यू एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, तो इस वजह से वो और पेरेंट्स ने इधर एडमिशन लेना, मतलब बच्चों का एडमिशन करवाना शुरू किया और धीरे धीरे आज हमारे पास 40+ स्टूडेंट्स हैं हमारे इस इंस्टीट्यूट में। उनको हम सिखाते हैं, समझाते हैं कि आपको ऐसे ऐसे ये चीज़ करनी है और मेरे को ये काफ़ी अच्छा लगा कि जो मैं स्कूल में सीखता था मैं प्रैक्टिकली अपने इंस्टीट्यूट में उन बच्चों को करा पा रहा हूँ। गवर्नमेंट ने जो ये स्टार्ट किया तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी है क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा आगे जा सकते हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू दिल्ली गवर्नमेंट जिसने एक बिजनेस ब्लास्टर के प्रोग्राम के थ्रू हमें ऐसा करने का मौका दिया और हम कर पाए।